हेलो, गुड मॉर्निंग खम्मा गणेश साहब। तो आज है संडे, तो अभी सो के उठे और अभी टाइम हो रखा है 8 बज गए और हल्की सी धूप भी निकली है। तो इधर मैंने अपना दूध गर्म कर लिया और ये मेरी चाय भी बन गई और छिपी टुकड़े दूध भी ठंडा कर दिया। तो पहले मैं अपनी चाय पीऊँगी बैठ के और उसके बाद करेंगे बाकी के काम। देखते हैं क्या करेंगे आज, और बाहर का मौसम भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मौसम हो रखा है दोपहर से, अभी हल्की हल्की धूप निकली है, कल तो बारिश हुई थी, आज लेकिन थोड़ा ठीक लग रहा है धूप निकली है। कल भी अचानक हुई थी बारिश तो आज दिन भर है कुछ कुछ काम तो वो करेंगे। तो विनीगर मैंने अपना ले लिया, खाली पेट वाली दवाई भी मैंने अपनी ले ली, और उसके बाद मैं करूँगी। आज देख रही हूँ घी बनाऊँगी, मलाई इकट्ठी करके रख रखी है तो घी भी बना लेती हूँ। ये कितना मस्त लग रहा है, सुंदर लग रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है पूरा पौधा। अब इनमें बारिश का पानी लगा था, कल बारिश हुई ना तो कितने अच्छे से हो रही है, अभी हरी हरी हो गई पानी की, 2-4 बूंदें गिरने से। इसके पत्ते झड़ गए, अभी इस मौसम में पत्ते झड़ते हैं ना, तो इसके पत्ते झड़े ये पूरे। ये मनी प्लांट थोड़ा सूख गया। हाँ, ये वाला पौधा अच्छा ग्रो कर रहा है वापस से, इसमें हरी पत्तियाँ आ रही है। ओह, ये वाला भी बहुत सुंदर हो रहा है। अभी खास पौधे हैं नहीं मेरे पास में, क्योंकि यहाँ पौधे ना जल रहे, तो अभी मैंने कोई पौधा लगाया भी नहीं है। तो बच्चों के लिए दूध आ गया है, तो बच्चों को दे दिया मैंने दूध, के लोग पढ़ाई कर रहे थे सुबह से, तो अभी दूध पी रहे। दूध पी लो फिर वापस से पढ़ाई करना, ठीक है ना? ओके। हाँ, इधर मम्मी एक्सरसाइज कर रही है अपनी। तो मैंने अपनी योगा ख़त्म कर ली, सुबह सुबह एक्सरसाइज करती हूँ तो अभी करके ख़त्म कर दी मैंने, बाय। तो बीच में दीदी का फ़ोन आ गया था तो बात करने लगी, और ये अलमारी भी मैंने अपनी सेट कर दी है। ये तो मैंने आपको बताया था नहीं, तो डल ही करनी होती है मेरे को, तो ये भी मेरी सेट हो गई। और अभी थोड़ी साफ़ सफाई के काम करूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो गाइस, मम्मी लगा रही है झाड़ू, सफाई कर रही है पूरे घर की। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, सब काम कर लिए, झाड़ू पोछा साफ सफाई का और किचन का भी सब काम कर लिया मैंने, बर्तन वर्तन साफ कर, इन्हीं की पढ़ाई कर रही है, इसका पेपर है कल तो ये पढ़ाई कर रही है। तो अभी थोड़ी देर करूँगी आराम, और मुझे अभी टेबलेट भी खानी है। इस रूम की भी सफाई हो गई पूरे की, तो सफाई मैंने कंप्लीट कर ली अपनी, तो अभी थोड़ी देर बैठूंगी, मेडिसिन खानी है तो वो भी खाऊंगी अभी मैं, तो थोड़ा सा आराम करूंगी यार, थक गई सुबह से लगी हूँ काम करने में। दवाई खानी है, पैर का दर्द होता है ना, उसी के लिए दवाई खानी होती है डेली। तो अभी तक की 2 टेबलेट तो खा ली, एक खाली पेट थी, एक नाश्ते के बाद थी, एक खाने के बाद थी, तो नाश्ता करके ही फिर खाने वाली भी ले लेती हूँ, तो अभी दवाई भी खाऊंगी मैं अपनी। और ये निकी की प्रोजेक्ट फाइल है जो निकी ने तैयार कर ली, दिखाती हूँ आप लोगों को, ये वाली। निकी ने आर्ट्स ले रखा है ना, तो अभी एग्ज़ाम हो रहे तो उसी की ड्राइंग चलेगी, मैम ड्राइंग जमा करेगी एग्ज़ाम में, तो उसी की फाइल बनाएगी ये। ये देखिए, तो ये निकी ने ड्राइंग बनाई थी जो कॉफी से बनाई है, बहुत सुंदर लगी है मेरे को। ये पूरी फाइल है, इसके अंदर लगा के रखी है उसने ड्राइंग अपनी। और एक ये सबसे ज़्यादा ये अच्छी लगी, इसमें रात का दिखाया रास्ता बनाया, गाड़ी जा रही है, ये भी बड़ा सुंदर लगी। ड्राइंग तो सभी इसने बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन ये मुझे बहुत सुंदर लगी जा। एक ये थी और दिखाओ, एक ये वाली थी, मतलब कितनी 14 या 15 बनानी थी उसको,
एक ये वाली भी मस्त लग रही थी ड्रॉइंग, ये बहुत सुंदर लगी मुझे ये वाली, ये देखिए ये भी बहुत अच्छी थी। फिर ये बनाई थी, ये भी काफ़ी अच्छी बनाई है। फिर एक ये बनाई थी, ये भी बहुत सुंदर, और इसमें भी बहुत सुंदर दृश्य दिखाया है। और ये बोतल की बनाई है, समझ गए होगे देख के किस चीज़ की बोतल है ये। और ये भी बोतल की है, तो इसको भी आप देख के समझ ही गए हो किस चीज़ की बोतल बना रखी है निक्की ने। तो ये निक्की ने ड्राइंग बनाई थी, और दिखाती हूँ निक्की की ड्राइंग में, ये कॉफ़ी वाली, ये सबसे ज़्यादा सुंदर थी ये जो बनाई थी वाली, और दिखाती हूँ। हाँ फिर ये बनाई है, ये भी बहुत सुंदर बनाई, ये सब इसकी जमा होगी, और दिखाती हूँ। ये बनाई थी, ये भी बहुत सुंदर बना रखी है, 14-15 ड्राइंग बनाई थी। एक ये वाली बना रखी, ये भी बहुत सुंदर है, ये बनाया था आर्टिफिशियल फ्लावर को लेके बनाई थी इसमें। फिर एक ये बनाई थी, और एक ये सबसे सुंदर लगी मुझे ये वाली, ये भी बहुत सुंदर लगी, इसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर कर रखा है। और ये जूते में फ्लावर बनाए, इसकी बनाई थी, ये मैम ने भेजी थी इसको बनाने के लिए। और फिर ये कृष्ण जी की वो जो नहीं होती मुरली जो बजाते, उसकी बनाई थी, मतलब ड्राइंग सब भी बहुत सुंदर बनाई थी निकी ने। तो गाइस आज बनाएंगे अप्पे, और वो बना रही हूँ मैं फर्स्ट बार, तो देखेंगे कैसे बनते हैं। तो उसके लिए सामान निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये अप्पे के लिए मैंने 2 ऑनियन ले लिए, अभी इनको बारीक बारीक चॉप करना है, तो पहले इसको चॉप कर लेती हूँ मैं। तो ये मेरे ऑनियन चॉप हो गए बारीक बारीक, मैंने चॉप कर लिए ऑनियन। धो के 2 टमाटर ले लिए, अब इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। धनिया पत्ता भी मैंने कट करके ले लिया, ये धनिया पत्ता ले लिया थोड़ा, फिर भी धनिया अपे में, पहले मैं टमाटर चॉप कर लूँ फिर दिखाती हूँ। तो मैं टमाटर बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसमें आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बच्चों को दे रही हूँ तो इसलिए हरी मिर्ची नहीं डाल रही इसमें मैं। तो ये मैंने सूजी ली थी, और इसमें 1 कटोरी दही मिलाया। तो ये अप्पे का बैटर मैंने रेडी कर दिया, और जो भी मसाले वगैरह इसमें डालूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो उससे पहले मैं अप्पे का बर्तन भी ग्रीस कर लेती हूँ, इसको मैं अप्पे का बर्तन है तो इसको ग्रीस कर लेती हूँ, ग्रीस करके पहले इसी को छोड़ देते और फिर बनाएंगे। तो ये अप्पे का बर्तन भी मैंने ग्रीस करके तैयार कर लिया। तो ये अप्पे का तड़का रेडी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने घी डाल दिया, इसमें घी डालेंगे तो उससे टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये गर्म हो जाए उसके बाद इसमें राई दाना डाल दूँगी। तो ये तड़का रेडी हो गया है अप्पे का, थोड़ा सा धुआं कम होने देती हूँ, नहीं तो आग भी पकड़ लेता कभी कभी, तो ध्यान से करना आता है। ये भी ये राई तड़क गई, अभी इसमें बैटर में डाल दूंगी मैं इसको, अभी इसको मिक्स कर देंगे। अभी इसमें डालूंगी मैं मसाले, तो 1 चम्मच धनिया पाउडर लूंगी, 2 चम्मच नमक डालूंगी, क्योंकि मेरी चम्मच छोटी है इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ, आप देख के डालना। और 1 चम्मच जीरा साबुत डालूंगी, और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चम्मच के करीब साबुत वाली चिली फ्लेक्स होती है वो डालूंगी, इससे ना फ्लेवर अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा लगेगा, तो थोड़ा ये डाल दिया मैंने। तो इसको अभी मिक्स कर देंगे मसालों को पहले, और फिर जो सब्जियां मैंने कट की थी वो सब्जियां डाल दूंगी इसमें। पहले प्याज डाल दूंगी, अभी उसके बाद मैं टमाटर डाल दूंगी। आप
आप हरी मिर्ची डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैं लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चे खाते नहीं ना, तीखा लगता है। अभी इसको मैं मिक्स कर दूंगी, सब्जियां मिक्स कर दी, अभी इसमें धनिया पत्ता भी डाल देंगे। अभी इसको है ना मैं हाफ कर लूंगी क्योंकि इसमें इनो डालना होगा ना फुलाने के लिए, तो मैं इनो डाल रही हूँ, तो इनो नहीं होता आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं इसमें, तो ये हाफ हाफ करके उसमें इनो मिक्स कर दूंगी। इसमें एक चम्मच के करीब मैंने इनो डाला है और अब इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने भर दिए वापस बोल अप्पे का बैटर मैंने भर दिया है और अभी इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सब में मैंने डाल दिया, तो ये रख दिया, अभी गैस ऑन कर दूंगी, गैस मीडियम ही रखेंगे, ऊपर ढक लगा देंगे इसके। तो ये मैंने ढक लगा दिया और अभी इसको मीडियम कर देंगे। बिट्टू क्या कर रहा है? ये देखो बिट्टू खेल रही है, बिट्टू खेल रही है ना, हाँ बिट्टू खेल रही है और ये चीकू पढ़ाई कर रही है। हो गया खेलने का काम पूरा? ये गिर जाएगा सिंदूर इसमें बेटा, चलो रखो इसको नीचे। तो मैं नहा के आ गई और तैयार भी हो गई, तो अभी बज गए 3। आज मुझे बहुत लेट हो गया नहाने में, है ना बिट्टू? क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सारे काम किए तो इसी चक्कर में हमें लेट हो गया, और लंच हमने कर लिया था। क्या हुआ बिट्टू? बिट्टू को बड़ा प्यार आ रहा है मम्मा पे आज, है ना बिट्टू? पापा कब आएंगे? आएंगे पापा जब छुट्टी मिलेगी, तो पापा आएंगे। बिट्टू को पापा की बड़ी याद आ रही है ना बिट्टू? बहुत याद आती है बिट्टू को पापा की, है ना बिट्टू? तो बिट्टू को पापा की याद आ रही है, अभी फोन करें पापा के पास। हाँ हम फोन कर लेते हैं अभी ना पापा के पास में, चलो हम फोन करेंगे अभी, तो फिर मिलते हैं आपके बाद में, बात करके देखते हैं फोन उठाते हैं या नहीं उठाते, तो पहले बात कर लेते हैं उसके बाद में आपसे बातें करेंगे। और हेलो गाइस, डिनर बन के रेडी हो चुका है और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ डिनर में मैंने क्या बनाया है। तो आज ठंडा मौसम हो रखा था, बारिश हो ही रही थी, तो मैंने बनाया गुड़ वाला चूरमा जो बच्चों को बड़ा पसंद है, और ये बनाई आलू की सब्जी, और ये चपाती बनाई, और ये तीनों इंजॉय कर रहे डिनर। क्यों कर रहे हो एंजॉय? यस हाँ, तो ये डिनर एंजॉय कर रही है। तो कैसा लगा अच्छा, चूरमा? अच्छा, चलो सबको ना अच्छा लगा है। निकी तेरे को? निकी को मस्त लगा। और बिट्टू तुझे कैसा लगा? परफेक्ट। और चिकू तुझे कैसा लगा? वेरी वेरी टेस्टी, और हमारी वाली भाषा में बोलते हैं वैसे स्वाद लगा है। तो जिम लो सा, तो डिनर बन चुका है, थैंक यू एंड खमा गणिसा। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है और पूजा भी कर ली क्योंकि एग्जाम है, तो अभी खाना जल्दी खा लेते हैं हम लोग। और अभी करूँगी मैं चिकू के हेयर स्टाइल बनाऊँगी क्योंकि सुबह एग्ज़ाम भी है, तो फिर लेट भी हो जाएगा, तो अभी से ऑयल वगैरह कर दूँगी इसके बालों में और हेयर स्टाइल बना दूँगी। तो और आप सब लोग मेरा ब्लॉग देखा कीजिए, और पूरा ब्लॉग लास्ट तक देखना, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना और शेयर भी किया करो आप लोग। अभी मेरा वॉच टाइम 2000 घंटे होने वाले, थोड़ा ही बचा है, तो वो भी जल्दी जल्दी करवा दीजिए आप लोग, फिर हम आपको पार्टी देंगे। हाँ हम लोग आपको पार्टी देंगे फिर, है ना? हाँ, और क्या? गुड नाइट एंड कमा करनी चाहिए, बाय बाय बाय।